है सर। गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद में एक वाकया हुआ है, पूरी कौम उस पर नजरें जमाए बैठी है और वो चाहती है कि अवाम के नुमाइंदा ऐवान पर उस पर बात हो। सर गुज़िश्ता दिनों इस मुबारक महीना रमज़ान में एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ ज्यादती की और दूसरे मौलवियों ने जरगा करके उस मौलवी को माफ करा दिया और उस मौलवी के वालिद ने मीडिया पर बयान दिया कि मैं उल्मा की मोहब्बत में इस मौलवी को माफ करता हूं। सर ये वाकयात बढ़ रहे हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, अगर उसका वालिद माफ करता है, मुद्दई उसकी स्टेट बने, रियासत बने, उस बच्चे का मेडिकल हो ताकि पता लगे कि इल्जाम सही है या गलत है, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराया जाए। सर मेरा आपसे मुतालबा है और मैं सर अगर आपकी तवज्जो हो जनाब स्पीकर साहब तो ये इंतहाई अहम मामला है और इस पर आपकी रूलिंग भी होनी चाहिए। सर ये इंतहाई अहम है, अब स्टेट को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि सही और गलत का पता लगे और ये बच्चे माह रमजान में जो कुरान पढ़ने अल्लाह की किताब पढ़ने जाते हैं वो महफूज रहें। ऐसे लोगों से ये रूलिंग हो सर कि स्टेट मुद्दई बने और उस बच्चे का मेडिकल कराया जाए ताकि मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहुत शुक्रिया सर। शर्मिला फारूकी साहबा, तोबा टेक सिंह में जो मारिया बीबी के साथ बेहमाना कत्ल हुआ है उसकी मजम्मत करना चाहूंगी और उसके ऊपर एक करारदाद लाना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें तो। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, करारदाद आप इंडिविजुअली नहीं ला सकती, आप बात कर लें, आप बात कर लें, करारदाद जब लानी होती तो गवर्नमेंट ऑपोजिशन सारे मेंबरान से साइन कराई जाती है। आप बात कर लें, बात करें। वाकये को कंडेम करना चाहूंगी सर, ये कितनी अफसोस की बात है कि इस कौम की बेटी की बेहुर्मती हुई है, बेमाना कत्ल हुआ है, उसकी हम मजम्मत करना चाह रहे हैं लेकिन ऑपोजिशन के लोग ना सुन रहे हैं, ना उसकी मजम्मत कर रहे हैं, ना इस बात में शरीक है। सर इस बात को बाबर कराए जाए कि वो तमाम मामलात जिनकी वजह से बहेमाना कत्ल हुआ है उन मामलात पे इन्वेस्टिगेशन की जाए और सर फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए। सर ये बहुत ज़रूरी है, मारिया बीबी इस कौम की बेटी है, ये वाकयात जो ख़वातीन के साथ होते हैं, जो मजालिम होते हैं, इनकी कंडेमनेशन बहुत ज़रूरी है सर। सर इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बीबी को भी इंसाफ चाहिए, मारिया बीबी भी इंसाफ की मुंतजर है। सर मारिया बीबी भी इंसाफ की मुंतजर है। सर सर अदलिया को भी इंसाफ दें, कैदी नंबर 804 को भी इंसाफ दें, इस मुल्क में इस कौम की बेटियों को भी इंसाफ चाहिए। सर मारिया बीबी का बहेमाना कत्ल हुआ है, सर उनके साथ ज्यादती करी है उनके अपने घर वालों ने। सर वो इस मुल्क के अंदर शदीद गम और गुस्सा है, जिस तरीके से उसकी वीडियो वायरल हुई है, उनकी बॉडी को एक्सूम किया गया है, जिस तरीके से उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सर ये कौम जानना चाहती है कि क्या वो अनासर थे जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं। सर अगर आप इजाजत दें जी, थैंक यू। In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on 1st April 2024 on conclusion of its business.